हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मुझे पूरा विश्वास है आपको काफ़ी जो है ना टेंशन आपकी कम हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। देखिए, जो भी है ना, जैसे अब पेपर आपके हो चुके हैं, फिर आपका अब रिजल्ट आने वाला है कल, तो इस समय आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो ज़्यादातर कमेंट इसी के रिगार्डिंग है, तो मैंने इस कमेंट को फिर लिया है। देखिए, जो अगर मार्कशीट को देखते हैं ना, तो देखिए डीओई जो है ना हमेशा बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये भले ही मेरे हिसाब से जो रखता है, ये जो मैं आप बताने जा रहा हूँ मेरा पर्सनल व्यू है। देखिए, क्योंकि देखो अगर हम सर्कुलर में देखते हैं ना, तो वहाँ पर यह है कि सीबीएसई के अगर सर्कुलर में देखते हैं तो उसमें कि बच्चे का ई ग्रेड नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ पर हम डीओई को देखते हैं, डीओई ने बोला है कि भाई देखिए पॉइंट हमें 25% चाहिए, पर क्या ऐसा ये लिखा है उसने कि अगर मान लो किसी बच्चे के 25% नहीं आए और टोटल करने पर अगर बच्चे की ई ग्रेड भी नहीं बन रही तो उसे फेल किया जाएगा, ऐसे तो नहीं लिखा ना। तो मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे के ऐसे ई ग्रेड लिखा हुआ नहीं आया और उसके नंबर जो है 33 से ऊपर हुए, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा पास होना चाहिए। अब ये बात जो है क्लियर कल ही हो पाएगी जब आपकी मार्कशीट के साथ आपका जब लिंक ओपन होगा उसमें आप अपनी मार्कशीट भी देखेंगे। ये मैं लास्ट ईयर के एक बच्चे की दिखा रहा हूँ, उस बच्चे के एक नंबर से मतलब उसको जो है ना रोक दिया गया था, लेकिन इस बच्चे ने मतलब मैं इसके बारे में इसकी तारीफ भी करूँगा, इस बच्चे ने खूब मेहनत करी और आराम से इसे पास भी कर लिया। टेंशन देखो लोगे तो क्या होगा, कुछ चेंज तो होगा नहीं, रिजल्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप टेंशन मत लो। टेंशन लेने से ना काम खराब होता है, अच्छा नहीं होता। ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, जिसको आप मानते हो ना उसका नाम लो, उसका नाम जपो, जो है वही मालिक करने वाला है। ठीक है, बाकी आप अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, जो होगा देखी जाएगी। ठीक है, मैं तो सबके लिए दुआएं कर सकता हूँ, बेस्ट विशेस कर सकता हूँ कि कोई बच्चा फेल ना हो, सब अच्छे नंबर से पास हो जाए। और टीचर सच बताऊँ तो टीचर भी नहीं चाहते कि कोई बच्चा फेल हो, अगर उसने करा है तो टीचर कहते हैं कि कुछ कोशिश तो करिए ना, तो उसको मार्क्स जरूर दिए जाते हैं। तो आप टेंशन मतलब मेरे हिसाब से डीओई को ऐसे ही करना चाहिए, मिड टर्म फाइनल टर्म इंटरनल में मिला के अगर बच्चे के 33% आ रहे हैं तो उसे पास कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और टेंशन मत लीजिए, नहीं तो मुझे और टेंशन हो रही है बच्चों के कमेंट पढ़ पढ़ के। ठीक है, तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत विशेष, आप अच्छे नंबर से पास हो, और जिसने नहीं भी सोचा हो वो भी अच्छे नंबर से पास हो, सब पास हो, जिसने अच्छे नंबर लाने की सोचा उसके और अच्छे नंबर आ जाए, मैं तो ये कहता हूँ। अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल टेंशन मत लो डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।